아무리 뛰어도 매. हेलो गाइस नमस्कार ये हमारी टीम और हम जा रहे हैं कहाँ हम कहाँ जा रहे हैं कैची धाम कैची धाम चलो भाइयों इसको कैच इसको कैच करना हिमालय की सुंदर वादियों में बसा उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता से आज दुनिया भर के लोगों का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी इन लुभावने दृश्यों को देखकर आत्मविभोर हो जाते हैं। यहाँ आते ही उन्हें एहसास होने लगता है जैसे वह अदृश्य आत्मा परमपिता परमेश्वर और कहीं नहीं इन्हीं वादियों के बीच में विद्यमान है, और तब उन्हें जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर का सारा धन भी शून्य है। आज मैं आपको श्वेत बर्फधारी हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे एक ऐसे ही जगह पर लेकर चल रहा हूँ जो हिमालय की ही तरह खूबसूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्थान की जिसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है। इस धाम में बाबा नीम करौली जी का आश्रम है और जो नैनीताल उत्तराखंड से 17 किलोमीटर तथा हल्द्वानी से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आस्था और विश्वास का ऐसा स्थल है जहाँ जिंदगी के सारे दुखों से हताश इंसान अपने जीवन को दोबारा खूबसूरत बना सकता है। शांति की तलाश में यहाँ आने वाले हर इंसान की बाबा सारी मुरादें पूरा करते हैं। आखिरकार बाबा नीम करौली जी थे कौन और सारी दुनिया में आज आपके इतने भक्त कैसे हैं, यही सब जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश में जन्मे नीम करौली बाबा एक ब्राह्मण परिवार से थे। आपका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। मात्र 11 वर्ष की ही उम्र में आपके परिवार वालों ने आपकी शादी कर दी। शादी के कुछ ही माह बाद आपने घर छोड़कर संन्यास ले लिया। कहा जाता है कि 17 वर्ष की उम्र में ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और सन 1962 में आप यहाँ कैंची उत्तराखंड में आए और आकर यहाँ आपने हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया जो धीरे धीरे आज विशाल कैंची धाम में बदल चुका है। नीम करौली बाबा भगवान के साक्षात रूप थे, लोग उन्हें हनुमान का अवतार भी मानते हैं। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आप भक्त के दिल की बात जान जाते थे और आपकी एक नज़र ही उन्हें उनके कष्टों से उबार देती थी।
के दर्शन करने के बाद नाव बैक करेंगे वापस हल्द्वानी की तरफ। कैंची धाम आओगे तो यहाँ रह सकते हैं। ओयो ठीक है जी, ये है यहाँ पे फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड के साथ आओ, ये भवानी जगह देख सकते हो आप, बेहतरीन व्यू। खतरनाक और सुहाना सफ़र और नज़ारा, एवरीथिंग देखने को मिलेगा आपको यहाँ। बहुत मज़ा आया, तो राइडिंग करने में मज़ा आ रहा है, है? तो बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। और आप इमेजिन कर सकते हो राइडर को कितना आनंद आ रहा होगा। देखो आई लव इट, इतने हैप्पी हैप्पी लग रहे हैं राइडर, अच्छा लगा। और अगला मोड़ सामना करेंगे सिवान, और ये छोटा सा मोड़ था, गुगली डालना चाहते थे लेकिन आसानी से पार किया गुगली में, देखो अच्छा अच्छा लगा। ये कैंची धाम छोर से और हल्की हल्की स्पीड से 26 की मात्र 26 की स्पीड से सिवान हल्द्वानी की तरफ ये बटे हुए ये मार के और प्रस्थान करते सामने दो कार, और ये पार करना चाहा लेकिन थोड़ा सा टूटे सिवान। मेरा तो वैसा नहीं है ना कि मैं तुमको देखना नहीं चाहता, फिर कभी चांस मिले ना मिले। देखो चाहिए किसी साए में जगा, चाह बहुत बार है ना कहीं कभी मेरा दिल लगा, कैसा समझदार है मैं ना पहुंचूं क्यों वहां पे, जाना चाहूं मैं जहां मैं कहां खो गया, ऐसा क्या हो गया, ओ मेहरबान क्या मिला यूं जुदा होके बता, ओ मेहरबान क्या मिला होके बता, ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता, ओ मेहरबान क्या मिला यूं जुदा होके बता। हिस्सा हुई वो आवाज हूँ, लोगों में हूँ पर तन्हा हूँ मैं, हाँ तन्हा हूँ मैं, दुनिया मुझे मुझसे जुदा ही करती रहे, बोलूँ मगर ना बातें करूँ, सब है लेकिन मैं नहीं, वो जो थोड़ा था सही वो हवा हो गया, क्यों खफा हो गया, ओ मेहरबान क्या मिला यूं जुदा होके बता, ओ मेहरबान क्या मिला जुदा।
सुनी रही ना रहा तेरा पता ओ मेहरबान क्या मिला यूं जुदा होके बता